हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो जुड़ी हुई है आपके बचपन की यादों से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस चहचहाहट की जिसे आपने बचपन में अपने घरों के आंगन में और बगीचों में जरूर सुना होगा। लेकिन कई कारणों से इन पक्षियों जैसे गौरैया या छोटे छोटे और भी बहुत सारे पक्षी हैं, इनकी चहचहाहट हमारे घरों से किसी न किसी वजह से दूर होती चली गई। और आज के इस वीडियो से हम यही प्रयास करेंगे कि बचपन की यादों को फिर से ताज़ा किया जाए और इन छोटे छोटे पक्षियों के लिए एक छोटा सा आसियाना बनाया जाए। आज हम सीखने वाले हैं बिल्कुल मार्केट जैसा दिखने वाला बर्ड हाउस घर पे कार्डबोर्ड की हेल्प से बिल्कुल सस्ते में कैसे बनाए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ और यकीन मानिए पक्षियों के लिए किया गया खर्च और मेहनत है जो वो आपको सूद समेत एक सुंदर एहसास के रूप में जरूर मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, बर्ड हाउस बनाने से पहले पेपर पे मैंने एक शेप ड्रॉ कर लिया है कुछ इस प्रकार से और सबका माप मैंने यहाँ पे शो कर दिया। आप चाहे तो इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके बाद हम कैंची की हेल्प से इस शेप का कटआउट निकाल लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है साइड साइड से इन सबको कट कर लेंगे कैंची की हेल्प से कुछ इस प्रकार से। फ्रेंड्स, हमने पेपर के कटआउट को निकाल लिया है। इसके बाद हम थिक कार्डबोर्ड लेंगे जो थोड़ा मोटा और मजबूत होना चाहिए और इसी के ऊपर इस कटआउट को रखकर और साइड साइड से मार्कर की हेल्प से मार्क कर लेंगे। ऊपर के साइड हमने एक डब्बे की हेल्प से गोल सर्कल बना दिया है और अब हम इन सबको कैंची की हेल्प से कट कर लेंगे। देखिए, हमने इसको पहले से कट कर लिया था और सेम इसी शेप का मैंने एक और पीस बना लिया था, बस उसमें मैंने होल नहीं किया था। ये दो पीस बनकर रेडी है। अब हम साइड साइड से बनाने के लिए एक और कार्डबोर्ड लेंगे जिसका लंबाई चौड़ाई मैंने दे दिया है स्क्रीन पे और ये भी मैंने दो पीस, और सबसे नीचे लगाने के लिए मैंने ये एक कार्डबोर्ड जो कि मोटा है इसका भी मैंने लंबाई चौड़ाई दे दिया है। आप स्क्रीन शॉट ले लेना और साइड साइड से जो गैप दिख रहा है इसको फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज किया है। आप चाहें तो पेपर में को लगाकर इससे भी इस टाइप से फिल कर सकते हो गैप को। चारों तरफ से हमने मास्किंग टेप लगा दिया है और सबसे ऊपर का छज्जा बनाने के लिए देखिए हमने ये कार्डबोर्ड लिया है, इसका भी माप मैंने दे दिया है और बीच से मैंने इसको मोड़ लिया है कुछ इस प्रकार से। बर्ड हाउस के सारे पार्ट को हमने बना लिया है। अब चलिए इन सबको सेट करते हैं। तो यहाँ पे आप ग्लू गन की हेल्प से भी चिपका सकते हो, मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज किया है। आप चाहें तो पेपर में फेविकोल लगा के उससे भी चिपका सकते हो या आप यहाँ पे सेलो टेप का भी यूज कर सकते हो। और फ्रेंड, जो हमने कार्डबोर्ड के ऊपर होल किया है छोटा सा, इसका साइज याद रहे आपको 1.5 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ये गौरैया के लिए बना रहे, तो गौरैया इस होल से आसानी से अंदर बाहर हो सकती है और अगर ज्यादा बड़ा हुआ तो शिकारी पक्षी इसके अंदर जाकर इसके अंडे को नुकसान पहुंचा सकती है और गौरैया भी घर छोड़कर चली जाएगी। इसलिए होल बनाते टाइम इस बात का खास ध्यान रखें। फ्रेंड्स, हमने बर्ड हाउस के चारों पार्ट को ज्वाइंट कर दिया है। अब हम नीचे वाले पार्ट को हॉट ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। आप यहाँ पे फेविकोल का भी यूज कर सकते हो चिपकाने के लिए। और सबसे लास्ट में ऊपर के छज्जे को हम चिपका देंगे, तो यहाँ पे भी आप फेविकोल की हेल्प से चिपका सकते हो कुछ इस प्रकार से। पर मेरे पास हॉट ग्लू था तो मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू का यूज किया है। अब हम होल के आगे की साइड गौरैया को बैठने के लिए एक स्टिक लगाएंगे, तो यहाँ पे मैंने धागे का जो रील होता है खत्म होने के बाद जो निकलता है उसी का यूज हमने किया है और उसी को यहाँ पे देखिए इस टाइप से पेपर को निकाल लेंगे हल्का सा और इसी में ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। और सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैंने एक और पहले से बर्ड हाउस बना लिया था। चलिए इसको और मजबूत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा मैंने पेपर ले लिया है जो एक साइड से व्हाइट कलर का था और उसके बाद मैंने फेविकोल ले लिया है, उसमें पानी मिक्स करके एक गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। अब हम पेपर के ऊपर फेविकोल लगाएंगे और उसके बाद इस टाइप से चिपकाना है। पूरे बर्ड हाउस के ऊपर हम इस टाइप से पेपर का एक लेयर चिपका देंगे चारों तरफ से ताकि यह और भी मजबूत हो जाए। हमने यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाया है। सेम इसी टाइप से दोनों बर्ड हाउस पे चिपका लेना है पेपर को। फ्रेंड्स, आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि जो हमारा ये यूट्यूब फैमिली है आनंद आर्ट एंड क्राफ्ट की यूट्यूब फैमिली, ये 50 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं और जो हमारा फैमिली है ये 50 लाख लोगों का आज हो चुका है। मैंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 2-2.5 साल के अंदर मेरे साथ 50 लाख लोग जुड़ जाएंगे और जो मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करेंगे। आप सभी का दिल से बहुत ज्यादा थैंक यू और मैं सदा आप सभी का आभारी रहूंगा और मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा आप सभी के लिए। बस आप लोग अपना ऐसे ही प्यार सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखें मेरे ऊपर। फ्रेंड्स, हमने पूरे कार्डबोर्ड पे देखिए चारों तरफ से व्हाइट कलर के पेपर को चिपका दिया है और ऑक्सीजन के लिए हमने साइड साइड से 3 होल कर दिया है छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं करना है। और दोनों साइड से मैंने देखिए 3-3 होल कर दिया है, पहले से मैंने कर लिया था ये। और व्हाइट कलर का पेपर मैंने जानबूझकर चिपका है ताकि यह इस पर जो भी मैं कलर करूँ वो उभर कर आए। आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी इसको हैंग कर सकते हो दीवार में, पर थोड़ा दिखने में अच्छा लगे इसलिए मैंने इसे कलर कर दिया है। और कलर करने के लिए मैंने एक्रेलिक कलर का यूज किया है। आपके पास जो कलर अवेलेबल हो उससे आप कलर कर सकते हो और अब कलर का चुनाव आप अपने पसंद से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक बर्ड हाउस को रेड और येल्लो कलर से कलर किया है और दूसरे वाले बर्ड हाउस को
मैंने स्काई ब्लू और लाइट पिंक कलर से कलर किया है। फ्रेंड्स हमने बातों ही बातों में देखिए दोनों बर्ड हाउस को कलर कर लिया है। आगे की साइड हमने जो होल किया है यहाँ पे हमने कार्डबोर्ड को देखिए गोल शेप में कट करके और इसके ऊपर भी मास्किंग टेप चिपका दिया है और चिपकाने के बाद इसे कलर कर लिया है। और कलर करने के बाद इसको भी हम फेविकोल की हेल्प से दोनों यहाँ पे दोनों को चिपका लेंगे। इसको लगाते ही बर्ड हाउस का जो लुक था ये और भी सुंदर लगने लगा था। अब इसके ऊपर पेंसिल से हम कुछ और डिजाइन बना लेंगे। आप चाहे तो इसे प्लेन भी छोड़ सकते हो पर मैंने इसके ऊपर कुछ और डिटेलिंग कर दिया था और पेंसिल से मार्क करके इसके ऊपर मैंने कुछ फूल पत्तियां ये सब बना लिया था। येलो कलर वाले बर्ड हाउस पे मैंने ग्रीन कलर से छोटा छोटा घास बना लिया था और उसके ऊपर व्हाइट कलर से मैंने छोटा छोटा फ्लावर बना लिया था कुछ इस प्रकार से। बहुत ही इजी है, आप बहुत ही आसानी से इस फूल को बना सकते हो। फ्रेंड्स आप चाहे तो इस बर्ड हाउस को प्लाई के टुकड़े से भी बना सकते हो और प्लाई से बने हुए बर्ड हाउस बहुत मजबूत होता है, वो बहुत दिनों तक चलेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। और अगर आप कार्डबोर्ड से बर्ड हाउस बना रहे हो तो ये भी मजबूत होता है पर इसको पानी से बचाना पड़ेगा। आपको ऐसे जगह पे रखना होगा जहाँ पे पानी से या भीगे ना। आप जो भी कार्डबोर्ड यूज करें इस बर्ड हाउस को बनाने के लिए वो मजबूत कार्डबोर्ड लें तो ज्यादा मजबूत रहेगा। ये जो हमने ये बर्ड हाउस बनाया है ये भी बहुत ही मजबूत बना है और बस इसे आपको पानी से बचा कर रखना है और ये अभी 2-2.5 साल तक आसानी से चल सकता है, बस इसको पानी वाले जगह से बचा कर रखना है। फ्रेंड्स दोनों बर्ड हाउस का कलरिंग का काम समाप्त हो चुका है। अब इसके कलर को सेव करने के लिए अगर आपके पास वार्निश हो तो आप इसके ऊपर वार्निश का अप्लाई कर सकते हो, अगर ना हो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। मेरे पास था तो इसके ऊपर मैंने वार्निश का अप्लाई कर दिया है। वार्निश का अप्लाई करने से इसके ऊपर जो हमने कलर किया है ये लंबे समय तक टिकेगा और थोड़ा मजबूत भी हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग। और पीछे के साइड से हमने होल कर दिया है हैंग करने के लिए दोनों में। और फ्रेंड्स इसी के साथ दोनों बर्ड हाउस बनकर रेडी है, चलिए इसे दीवार में हैंग करते हैं। तो हैंग करने के लिए मैंने लोहे का 2 कील लिया है और दीवार में मैंने इसे ठोक लिया है। और ध्यान रहे इस बर्ड हाउस को वैसे जगह पे सेट करना है जहाँ पे यह बारिश से भीगे ना। फ्रेंड्स मैंने और भी अलग अलग डिजाइन में बहुत सारा चिड़िया का जो घोंसला होता है उसका वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हो। और ये रहा बर्ड हाउस का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर के अंदर एक चाहता हुआ घर बनाएं क्योंकि आज भी अनन्य मुने पक्षी इस आशा से हमारी ओर देखते हैं कि फिर से वो समय लौटेगा जहां इनको रहने के लिए एक आसरा और पेट भरने के लिए दाना पानी मिलेगा। तो आप भी अगर चाहते हैं इन छोटे छोटे बेजुबानों की रक्षा करना तो आप भी ये काम जरूर करें। समझिए आप इनको एक छोटा सा उपहार दे रहे और यकीन मानिए ये जो उपहार है उसका जो सुंदर सा एहसास है वो आपके चेहरे पर बहुत दिनों तक एक रौनक के रूप में उभरता रहेगा और आपको सुंदर सा एहसास और अनुभव करवाता रहेगा। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.